रहा था। सॉरी भाई, सॉरी। ढोल? अच्छा सोड़ी तुम बजा रहे हो ढोल? जयदलाल तुम कब सुधरेगा? जब ये भीड़ा सुधर जाएगा ना तभी मैं भी सुधर जाऊंगा बस। तो जेठालाल क्या बोल रहे हो? मैं बिगड़े कब था जो सुधरने की बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा बिगड़ा हुआ काम किया है? अभी छोड़ना भाई, सबके सामने कहाँ बोलू, अभी छोड़। नहीं बताओ बताओ, सबके सामने बताओ। अरे सबके सामने बताने जैसा नहीं है भाई, फिर भी अगर तुझे जानना है तो माधवी भाभी से पूछ ले जा, उनको सब पता है। माधवी को पता है? क्या जेठालाल यार, तुम भी भिड़े ने तुम्हारे मजाक को सच मान लिया भाई। हाँ भाई, इसीलिए तो बोला भाई, बेघड़ी गम्मत भाई, छोड़ा ना यार, अभी मजा आएगा देखो। मुझे एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सा बिगड़ा हुआ काम किया जो मुझे सुधरने की जरूरत है? शादी के बाद ना आप मुझे रोज आई लव यू कहा करते थे, लेकिन आजकल एक बार भी नहीं कहते। इसमें आपको सुधरने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक मिनट, आज अचानक ये सवाल क्यों आया आपको? भाई है। ये बात तुमने जेठालाल को बताई? नहीं, ये माधवी से पूछो। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक मिनट मैं उनको पूछती हूँ। विचार विचार जेठा भाई, कहाँ पीछे रह गया? आना भाई, अभी माधवी भाभी सब सच सच बता देंगे तुझे। हाँ माधवी भाभी, विवेक और सबको ये बताओ, वो उस दिन मेहता साहब और अंजलि भाभी के सामने आपने जो भिड़े के बारे में बात कही थी, वो आपने ही कही थी ना? हाँ हाँ, वो बात मैंने ही कही थी। क्या कौन सी बात माधवी, तुमने अभी मुझे बोला कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं और अभी तुम बोल रहे हो कि मैंने कही थी, काय काय चल रहे का है? मतलब वो बात भी मेरी ही थी, ये बात भी मेरी ही थी। कुठली बात, काय चल रही एग्जैक्टली? माधवी तुमने भी मुझे बोला था कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। सॉरी सॉरी जीता भाई। आई माधवी भाभी तुम्हें फन। तो इनके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती हूँ। जेठा भाई मजाक कर रहे हैं आपके साथ। जेठालाल मजाक तो बनता है ना भाई। बनता है, बनता है भाई, बनता है। जेठालाल मुझे मजाक पसंद नहीं है। और माधवी तुम भी शामिल होगे इसके साथ? वाला है अजीब आवड़ लेना नहीं है। अहो आइका, मैंने भी मजाक किया। शाबाश भिड़े, शाबाश। वहाँ भिड़ू नहले पे दहला अजीबा। हाँ तो क्या तुम भी मजाक कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता मजाक। जीवन में हंसी मजाक के अलावा और रखा ही क्या है? करे करे टेपन छे। जेठा भाई अभी दया भाभी भी अहमदाबाद से वापस आ जाएगी ना? हाँ, कांग्रेचुलेशन जेठालाल, दया भाभी आ जाएगी। पता नहीं मेरी पत्नी कब आएगी। आ जाएगी। ए पोपटलाल, मुझे पता है तुम्हारी पत्नी कब आएगी। कब कब कब? तुम्हारी शादी होने के बाद। चालू रखो दौर, चालू रखो मजाक का दौर, चालू। आज सब मजाक के मूड में है। ओए पप्पू, पहले तू मेनू एक गल दस, तू बालकनी में पीपीई किट पहन के क्यों खड़ा है? अरे हाँ, अरे भाई सोड़ी, जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, मैंने खास बड़े ज्योतिषी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिस जिस दिन मुझे खतरा ज्यादा है वो बताते हैं, उस दिन मैं पीपी किट पहन के घूमता हूँ, घर के अंदर घर के बाहर। ये पीपी किट सुरक्षा कवच है। अरे भाई इससे मैं बीमार होने से बच सकता। जरा सोचिए कि किसी ने कंपाउंड में छींका और वो छींक मतलब उसका वायरस उड़ते हुए सेकंड फ्लोर मेरे घर आकर मुझसे चिपक गया तो भाई बीमार लड़के से कौन लड़की शादी करने के लिए हाँ बोलेगी। हाँ फिर तो पोपट भाई का रिश्ता होने से पहले ही कैंसिल हो सकता है। पाने ना हो तेनो कोरोना। मैं शादी के मामले में मैं 1% भी रिस्क नहीं ले सकता। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं मिलता मैं पीपी किट नहीं निकालूंगा। मैं तो घर में भी पीपी किट पहन के घूमता हूँ। अब पपड़दार इतना डरने का जरूरत नहीं है।
अरे नहीं नहीं बराबर है यार बेटा, लेकिन चेत तो नर सदा सुखी। मतलब? अरे मतलब ये अय्यर के जो व्यक्ति सावधान रहता है वो हमेशा सुखी रहता है, इसलिए व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। Prevention is better than cure.